भी नहीं थी जो आपने बताया, तो लेजर से वो बहुत डिजोल्व होकर के बाहर पेशाब के जरिए बाहर आ जाती है। तो इस तरह से कोशिश करें, और अब आपने कलाई लिया है तो आप उसको कमजोरी हो गई है बच्चे को, तो कमजोरी में जो है उसको डायमंड माजून दीजिए साथ साथ, चूंकि अगर थोड़ा बहुत उसको टेंडेंसी है बनने की तो वो दोबारा नहीं बनेगी इंशाल्लाह, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, वो कौन सी चीजें हैं जिनसे गुरेज किया जाए, यानी जिनसे एहतियात किया जाए ताकि दोबारा ये पथरी ना बने, क्योंकि हम देखते हैं कि गुर्दे में ऑपरेशन के बाद भी एक बार रिमूव करवा लेने के बाद भी पथरी बनती है। माशाल्लाह बहुत नाजीना ख्याल रखती है, आप वो बातें भी सोचती है जो हम बताने से भूल जाते हैं किसी वजह से, और नाजीन के जहन में सवाल होते हैं। तो एक तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, पानी ज्यादा पिए, क्योंकि हम पानी ज्यादा पिएंगे तो जो हमारे गंदगी जो पेशाब में या कोई सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ में बह के बाहर आ जाते हैं, उनका बाहर आना ही जरूरी है। एक्सपिरेटरी सिस्टम के लिए पानी सबसे अच्छी दवा है, और साथ साथ मूली का रस जो है वो मूली का रस हफ्ते में दो बार जरूर ले लिया करें, एक एक गिलास, तो इंशाल्लाह मूली का रस रहेगा तो उसकी जो पीएच वैल्यू है किडनी की वो मेंटेन बन हो जाएगी, क्योंकि 7.4 अगर हमारी पीएच वैल्यू है, ऐसा नाजिक तो फिर बता रहा हूँ मैं, तो हमें ना कैंसर होगा, ना टीबी होगी, ना पथरी बनेगी, ना कोई बीमारी होगी। तो ये कोशिश करें कि हम किडनी की जो पीएच वैल्यू है उसको बनाए रखें, और साथ साथ जो चीजें ऐसी है अभी मैंने बताया, पालक है या टमाटर है या अंडा है, इन चीजों का इस्तेमाल ना करें, इससे टेंडेंसी बन जाती है, तो इंशाल्लाह दोबारा नहीं बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे, और इसी तरह खैर वाफियत के साथ आपसे हर रोज मुलाकात होती रहे। तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त अदा करने के लिए। एक बार फिर बहुत शुक्रिया।